जैसा कि आप सब जानते हैं कि होंडा की जो शाइन है वो भाई 125 सीसी सेगमेंट में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली बाइक है इंडिया में, होंडा की शाइन और SP125। और होंडा का ट्रस्ट और होंडा की ब्रांड वैल्यू तो आप लोगों को पता ही है कि लोगों पे कितना ट्रस्ट जो है होंडा ने बना रखा है। लेकिन जब बात आती है 100 सीसी के सेगमेंट की तो होंडा के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है यहाँ पे 100 सीसी के सेगमेंट में। लेकिन यहाँ पे 100 सीसी के कस्टमर्स को भी अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए होंडा एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है और अपनी जो मोस्ट ब्रांडेड बाइक है 125 सीसी की शाइन, उसी को लॉन्च करने वाला है 100 सीसी में। जी हाँ, बिल्कुल सही, यहाँ पे होंडा जो है 100 सीसी की शाइन लेके आने वाला है इंडिया में। तो आज के वीडियो में अपन इसी के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या आपको जो है इस नए कॉन्सेप्ट में सब कुछ देखने को मिलेगा, क्या आपको यहाँ पे पावर फीचर्स वगैरह माइलेज देखने को मिलेगा, कितनी इसकी जो है प्राइस रखी जाएगी और कब तक लॉन्च होगी ये इंडियन मार्केट में। तो वीडियो देखना पूरा एंड तक। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और इसी तरह का बाइक से रिलेटेड कॉन्टेंट देखना पसंद है तो चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन कर दीजिए ऑल, ताकि किसी भी तरह का बाइक से रिलेटेड कॉन्टेंट आप लोगों से मिस ना हो। तो यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी लुक और डिज़ाइन क्या रहने वाली है। तो कंप्लीट जो अभी आपकी शाइन 125 आती है, सीबी शाइन 125, उसी के कॉन्सेप्ट बेस पे ये मॉडल बनाया जाएगा, एक 100 सीसी का छोटा पॉकेट धमाका। कंप्लीट वैसा ही लुक रहने वाला है, कंप्लीट वैसी डिज़ाइन रहने वाली है, कंप्लीट वैसे ही ग्राफिक्स वगैरह सब रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको 93 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन देखने को मिलेगा जो कि जनरेट करेगा 8.5 PS की पावर और 8 Nm का टॉर्क। 4 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आपको ये बाइक इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। तो ये बात तो हो गई पावर फीचर्स की। पावर यहाँ पे मान लीजिए ठीक ठाक ही रहेगी, भैया 8.5 PS की पावर है तो ठीक ठाक पावर यहाँ पे आपको रहेगी। बट यहाँ पे जो है पावर का ध्यान नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो है माइलेज का। यहाँ पे आपको ये मान लीजिए अगर आप इसको इको मोड पे चलाते हो इस बाइक को, तो इजीली आपको 68 के आसपास, 65 से 68 के आसपास, समटाइम्स 70 तक भी आपको ये बाइक इजीली माइलेज निकाल के दे देगी। तो इस बाइक का बनाने के पीछे का यही मोटिव है कि शाइन की ब्रांडिंग रहे और 100 सीसी के सेगमेंट में आपको एक अच्छे माइलेज वाली बाइक भी देखने को मिल जाए। आगे चलते हैं, यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर वगैरह की बात करते हैं, हेडलैम्प वगैरह की। तो आपको वही हेलोजन टाइप यहाँ पे कंप्लीट सिस्टम देखने को मिलने वाला है, हेडलैम्प हो, फिर वो चाहे आपका DRLs हो या फिर आपके इंडिकेटर्स हो या फिर आपकी टेल लाइट हो, सब कुछ यहाँ पे हैलोजन ही रहने वाला है। बात करूँ यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की, तो यहाँ पे आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको लाइक आपके स्पीडोमीटर, टैकोमीटर सब कुछ एनालॉग में होने वाला है, यहाँ पे डिजिटल कुछ नहीं होगा। तो बहुत ही थोड़े से फीचर्स आपको इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में देखने को मिलेंगे। बाकी बाइक जो है कॉम्पैक्ट साइज की रखी जाएगी और कंप्लीट जो है कम्यूटर सेगमेंट की बाइक ही होने वाली है। सिंगल सीट के ऑप्शन के साथ आपको ये बाइक देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं ब्रेकिंग की तरफ, तो यहाँ पे आपको कोई भी डिस्क का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। इस बाइक की कॉस्ट कम रखी जाएगी, इसीलिए इसको खाली ड्रम वेरिएंट में लॉन्च किया जाएगा। हालांकि यहाँ पे आपको CBS टेक्नोलॉजी होंडा यूज़ करता है अपनी ब्रेकिंग सिस्टम में, तो ब्रेकिंग तो काफ़ी मजबूत रहने वाली है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा तो वो तो काफ़ी मजबूत रहने वाली है। लेकिन आपको फ्रंट और रियर में यहाँ पे ड्रम ही वेरिएंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं बात करूँ टायर साइज की, तो फ्रंट और रियर दोनों में आपको यहाँ पे 17 इंचेस के अलॉय देखने को मिलेंगे। 80-117 सेक्शन के यहाँ पे आपको टायर साइज देखने को मिल जाएंगे फ्रंट और रियर में। और जो बाइक है भाई वो आपको कंप्लीट एक कम्यूटर सेगमेंट की बाइक रहेगी जो कि 100 सीसी में आपको एक शाइन की याद दिलाती रहेगी। बाकी यहाँ पे बात करें अपन भाई सस्पेंशन की, तो फ्रंट में नॉर्मल टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रहने वाला है और रियर में भी आपको इसमें मोनोशॉक सस्पेंशन नहीं मिलेगा, नॉर्मल सस्पेंशन ही यहाँ पे आपको हाइड्रोलिक देखने को मिलेगा। और बाइक जो है एक मतलब एक कंप्लीट बजटेड बाइक रहने वाली है। तो ये तो बाइक हो गई इसके फीचर्स की, इसके स्पेसिफिकेशंस की। अब बात कर लेते हैं इसकी प्राइस क्या रहने वाली है। तो इसकी जो एक्स शोरूम प्राइस रहेगी वो ऑलमोस्ट ये मान लीजिए आप 75 से 80 हज़ार के बीच में इसकी एक्स शोरूम प्राइस जाएगी इंडियन मार्केट में। और लॉन्चिंग तो भाई होंडा इस पर काम कर रहा है और बहुत जल्द आपको इंडियन मार्केट में ये बाइक देखने को मिलेगी, और आने वाले 6 से 8 महीने में इंडियन मार्केट में ये बाइक आपको देखने को मिल जाएगी। तो मान लीजिए जुलाई के आसपास आपको इंडियन मार्केट में होंडा की 100 सीसी की शाइन देखने को मिल जाएगी। तो कमेंट करके बताना कि ये बाइक अगर आप आती है तो क्या आप इसको परचेज करोगे, और होंडा की बाइक्स आप लोगों को कितनी पसंद आती है, और शाइन जो अभी चल रही है 125 उसके आप कितने बड़े फ़ैन हो। तो बस यही था अपना छोटा सा एक वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम राइड सेफ एंड ऑलवेज वेयर ए गुड क्वालिटी हेलमेट। गुड बाय।